भन्ते विशद अनासक्ति के धनी हे महातपस्वी, मेरे प्रिय विषय चित्रांकन के द्वारा आपके श्री चरणों में मेरी श्रद्धा संपूरित भावाभिव्यक्ति। तीर्थंकर भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म की राजहंस के द्वारा थामी गई पांच रंग की यह पताका पंच परमेष्ठी और पंच महाव्रत का प्रतिनिधित्व करती हुई लहरा रही है। अरहम सर्वशक्ति प्रदायक अरहम बीज मंत्रम, सिद्धि व चेतना का अनावृत करने वाला कल्याणकारी बीज मंत्र है। एस शौर्य के प्रतीक केशरिया रंग में एस में बसा सरदार शहर, धोरों की धरती के इस शहर की स्थापना महाराजा सरदार सिंह जी के नाम पर विक्रम संवत 1895 में हुई। इस शहर की पहचान गांधी विद्या मंदिर, जो विद्या के क्षेत्र में दशकों पूर्व से अग्रणी रहा, तो मुख्य मार्ग पर मस्तक उठाए घंटाघर ने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। पुराना पार्श्वनाथ मंदिर, जो अति प्राचीन काल से यहाँ जैन धर्म के प्रभुत्व को दर्शाता है। जन जन की आशा का केंद्र इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर आदि आदि अनेक अनेक कलापूर्ण हवेलियाँ तथा शिक्षा व आस्था के केंद्र अपनी अनुपम छटा बिखेरते प्रतीत होते हैं। तेरापन संप्रदाय का यह अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ एकादशम आचार्य को जन्म देकर शिक्षा दीक्षा पट्टाभिषेक तथा षष्ठीपूर्ति परयुग प्रधान पद के पुनीत व भव्य अवसर पाकर यह धरा धन्य धन्य हो गई, वहीं दशमाचार्य महाप्रज्ञ समाधि स्थल आध्यात्म का शांतिपीठ व पंचमाचार्य मघुआ स्मारक स्थल ने इसे तीर्थस्थल बना दिया। 2005 में गणाधिपति द्वारा अणुव्रत का शंखनाद अथवा विक्रम संवत 2009 में सर्वप्रथम महिला मंडल का गठन का सौभाग्य इसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ। राजहंस युग प्रधान के यू ने प्रेम और करुणा के प्रतीक गुलाबी रंग में सहज ही राजहंस का आकार ग्रहण कर लिया। इसके कोमल गात पर कलात्मक रूप से उकेरा गया प्रभुवर का नाम AMS। राजहंस और आचार्य महाश्रवण पर एक तुलनात्मक दृष्टि। पहला, राजहंस का पक्षियों में श्रेष्ठ स्थान, गुरुवर का धर्म संघ में सर्वोच्च स्थान। दूसरा, चयन राजहंस मोती चुकता है, ऋजुता के धनी सरदार ठहर के इस लाल ने मानव जीवन का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ साधुत्व का चयन किया। तीसरा, राजहंस क्षीर सागर में विचरण करने वाला पक्षी है, तो नंदी सूत्र में सागर द्वारा उपमित धर्म संघ जिसमें आचार्यवर प्रथम पुरुष के रूप में विहरण करते हैं। चौथा, 50,000 से अधिक पंखों वाला यह पक्षी है, तो महात्मा गांधी की विख्यात डांडी यात्रा से 125 गुना अधिक लगभग 25,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सर्वाधिक यात्रा करने वाले प्रथम जैनाचार्य का कीर्तिमान स्थापित किया। विद्या की देवी सरस्वती का वाहन राजहंस है, तो आप देवी के वरद पुत्र हैं, दोनों ही क्षीर और नीर के विवेकी हैं। सातवां, राजहंस अपने साथी का विश्वसनीय तथा साथ निभाने वाला माना जाता है, वैसे ही आचार्यवर सभी के विश्वसनीय और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। आठवां, सबसे उच्चतम पद की प्राप्ति को राजहंस पद प्राप्त होना कहा जाता है, वहीं आप श्री की अर्हताओं को देखकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आपको महातपस्वी के संबोधन से नवाजा। नवा, राजहंस तैरते तैरते निद्रा लीन हो जाता है, और हमने भी देखा जन संकुलता में भी आप श्री को आत्मस्थ रहते हुए। दसवां, चतुर्विध धर्म संघ ने राजहंस के गले में माल्यार्पण कर शीश पर युग प्रधान का ताज पहनाकर गण का गौरव बढ़ाया। यू की लाइन अहिंसा यात्रा की मशाल के रूप में अंकित है। यह में ऊ की मात्रा पवित्रता तत्परता गतिशीलता की द्योतक मीन ने ऊ की मात्रा का आकार सहज ही ग्रहण कर लिया। 60 छह दशकों का सुनहरा अतीत, 13 रत्नों के अनमोल धरोहर का योग क्षेम करते हुए सह लक्ष्य सहज पूर्वक शांतिपूर्वक नीति निपुणता से महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करने का आप श्री को वैशिष्ट्य प्राप्त है। अनेक कीर्तिमान आपकी झोली में हैं, प्रलंभ यात्रा हो या निर्धारित लक्ष्य अधिक 109 दीक्षाएं देकर चमत्कृत करना। अहिंसा यात्रा में नेपाल के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की सहभागिता दर्ज कराना। 10,000 बौद्ध मंत्रों द्वारा वर्धापित किए जाना या बौद्ध गुम्बा में किसी अन्य संप्रदाय के प्रथम धर्म गुरु के रूप में प्रवास करना। अनेक अनेक प्रसंगों कार्यों को आप श्री ने सहज ही अंजाम देकर निःशब्द क्रांति के पुरोधा बन गए।
असाधारण साध्वी प्रमुखा के शासन माता को स्थापित करना तथा उनके अंतिम दिनों में कृतज्ञता के भावों को अर्पण करना, उन सभी अलौकिक पलों को जमाने ने अपने इन्हीं नयनों से देख अतुलनीय अनुपमेय विराट व्यक्तित्व के दर्शन कर तेरापंथी होने का सात्विक गौरव महसूस किया। महाश्रमण अष्टकम मानवता का प्रतीक बैंगनी रंग में अंकित असाधारण साध्वी प्रमुखा द्वारा रचित अष्टकम, आचार्य भिक्षु द्वारा बीजारोपित हे प्रभु यह तेरा पंथ। बेल हरा रंग बीमार की जीवनदायिनी औषधि माना जाता है। 11 आचार्यों और 8 साध्वी प्रमुखाओं द्वारा पल्लवित पुष्पित इस संघ को साधु साध्वियों समणियों और श्राविक श्राविकाओं ने लता प्रदान के रूप में अपने योगदान से संघ को सुदृढ़ता समृद्धि प्रदान की और करते रहेंगे। इसकी कीर्ति पताका युगों युगों तक लहराती रहेगी। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण का नारा बना जो सात समुद्र पार भी गुंजायमान हो रहा है। भावनाओं को विराम देती हुई अनंत अनंत कृतज्ञता के साथ वंदन वंदन अभिनंदन अभिवंदन।